मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इस वक्त नामांकन का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम दलों के उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है, लेकिन इनमें ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट से एक ऐसा प्रत्याशी है जो इस बार 28वीं बार चुनाव लड़ रहा है। दरअसल ये है आनंद कुशवाहा, जो चाय बनाने का काम करते हैं। दरअसल आनंद पार्षद, विधायक से लेकर राज्यपाल, राष्ट्रपति सहित तमाम बड़े चुनाव लड़ चुके हैं। और आनंद जी इस बार भी जो है चुनाव मैदान में है। आनंद भैया, ये चुनाव लड़ने का शौक कब से आपको लगा और कौन सा चुनाव है आपका? ये मेरा 28वां चुनाव है, 1994 चुनाव लड़ जाऊंगा। उन्नीस पार्षद, विधायक, सांसद, महापौर, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सारे चुनाव लड़ चुका हूँ। इस बार क्या लग रहा है आपको, 28वीं बार कोई कामयाबी मिलेगी? कामयाबी सब मिलेगी, मिलो पूरी पूरी उम्मीद है ऊपर वाले से। ये मोदी जी भी थे, वो भी चाय बनाते थे आज से कुछ साल पहले, वो आज पीएम बन गए साथ, तो मेरे को एक उम्मीद है कि मैं भी कभी बड़ा पद पर चुनाव जीत के बड़ा पद ले सकूँ। तो आनंद सिंह को उम्मीद है कि मोदी जी चाय बनाते बनाते पीएम की कुर्सी तक पहुँच सकते, तो वो क्यों नहीं पहुँच सकते? और आनंद जी के चुनाव लड़ने के चलते उनके जो समर्थक के कार्यकर्ता भी उत्साहित रहते। आनंद जी लगातार 28वीं बार आप हर बार साथ रहते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ते हैं और क्या भूमिका रहती है आप लोगों? नहीं, विकास के लिए चुनाव लड़ते आए हमारे आनंद सिंह कुशवाहा, रामायणी है ये, इनका चुनाव हमेशा संघर्षशील रहा है और कामयाबी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, एक न एक दिन कामयाबी मिलेगी, जनता का भरपूर सहयोग अभी मिल रहा है। आपको क्या लगता है, आनंद सिंह जी चुनाव लड़ते हैं क्या केवल शौक पूरा करने के लिए लड़ते हैं या कुछ फर्क भी पड़ता है, कितना उत्साह रहता है आप लोगों में? नहीं, शौक एक अलग चीज हो गया, अगर वो हर बार प्रयास कर रहे हैं तो एक ना एक दिन उनको जरूर कामयाबी हासिल होगी। क्या है कि एक आम आदमी को भी मौका मिलना चाहिए जनता की सेवा करने का, ये नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी के फलाने नेता आ गए, वो आ गए, एक आम आदमी को भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि जनता का उनको समर्थन मिल रहा है और इस बार जहां तक प्रयास है कि वो जीत भी जाए। ऐसे करते अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, चले जाओ अंदर अंदर। हाँ बस आ जाओ, रुको रुको रुको, जाओ रुको 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 रुको। हाँ चलो, चालू करो राइटर। हाँ रुको रुको रुको, अरे अभी मत उठाओ। हाँ उठाओ, आप तक पूरी क्रिया करो। जाओ करो तो घुमा हुआ कितने सालों से आप काम कर रहे हैं जी? चाय का तो इधर दक्षिण जोड़ के इस बार आप बनेंगे।
करो करो हिला हिला हाँ हो गई चाय बन गई चल आ जाओ बस 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 रुको रुको आ जाओ इधर रख लो धीरे धीरे है ना गाड़ी रुकना रुकना आ जा 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 रुको 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 आ जा 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 आ जा आ जा हाँ इधर आ जा वोट की अपील कर लो चल बोलिए निकल जाओ निकल जाओ हाँ निश्चित तौर पर आनंद सिंह कुशवाहा 28वीं बार चुनाव मैदान में हैं। वो पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार वो ग्वालियर एक विधानसभा सीट से विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भी उनका समर्थन कर रही है। आनंद कुशवाहा का मानना है कि इस बार उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। अब ये तो आने वाले 3 दिसंबर को ही पता लगेगा कि आनंद कुशवाहा को कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन उनका संकल्प है कि वो ग्वालियर चंबल अंचल में हर चुनाव लड़ते रहेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर।